दोस्तों 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में राम लल्ला की मूर्ति स्थापित हो गई है, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। वहीं कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राम लल्ला की मूर्ति काली क्यों है, तो चलिए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। दरअसल राम लल्ला की मूर्ति जिस काले पत्थर यानी कृष्ण शिला से बनी है, उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। राम लल्ला की मूर्ति बनाने के लिए इस पत्थर का उपयोग करने की एक खास वजह है। बता दें, जिस कृष्ण शिला से ये मूर्ति बनी है, उसमें ऐसे गुण हैं कि जब आप अभिषेक करते हैं, यानी कि जब आप दूध प्रतिमा पर चढ़ाते हैं, तो आप उसका उपभोग भी कर सकते हैं। इससे इंसान के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पत्थर से दूध के गुणों में कोई बदलाव नहीं होगा। इस पत्थर की खासियत ये है कि इस पर किसी भी एसिड, आग या पानी से कोई रिएक्शन नहीं होता है और ये हजारों सालों तक ऐसा का ऐसा ही रहता है। और यही वजह है कि राम लल्ला की मूर्ति इस कृष्ण शिला यानी कि काले पत्थर से बनाई गई है। वैसे दोस्तों, आपको प्रभु श्री राम जी की ये मूर्ति कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।